एक फोन कॉल ने माया नगरी मुंबई की नींद उड़ा दी, जहां फिल्मी जगत से ताल्लुक रखने वाले भट्ट परिवार की बेटी समेत परिवार को भून डालने की धमकी मिली। 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई। धमकी भरा संदेश देने वाला खुद को इंटरनेशनल डॉन बता रहा था, लेकिन यूपी एसटीएफ ने केस की कड़ी सुलझाई तो रियल लाइफ का विलन कोई डॉन नहीं निकला। फिल्मकार महेश भट्ट को आई धमकी भरी कॉल। आलिया भट्ट को गोलियों से भून डालने की धमकी। महेश भट्ट की पत्नी को भी मिली जान से मारने की धमकी। अंतर्राष्ट्रीय माफिया टॉन बबलू श्रीवास्तव के नाम से मिली धमकी। धमकी देने वाले को लखनऊ से पुलिस ने किया गिरफ्तार। हर हीरो बनने की ख्वाहिश पालने वाले शख्स के भीतर एक विलेन पलता है, और इसका सबसे बड़ा सबूत है संदीप साहू। टूटे सपनों ने इसे इतना खतरनाक बना दिया कि इसने फिल्मकार महेश भट्ट को फोन कर उनकी बेटी आलिया भट्ट और उनकी पत्नी सोनी राजस्थान को गोलियों से भून देने की धमकी दे डाली। फोन करने के लिए इसने अंतर्राष्ट्रीय माफिया डॉन बबलू श्रीवास्तव के नाम का सहारा लिया। कोई आदमी कह रहा था कि हम अंडरवर्ल्ड से है, वो पैसों की मांग की धमकी कर रहा था, और उसने कहा कि अगर पैसे नहीं मिलेंगे तो जान से मार देंगे। और खाली भट्ट साहब को नहीं, पूरे परिवार के लिए धमकी थी। तो हमने पुलिस को कांटेक्ट किया, बॉम्बे पुलिस ने बहुत फुर्ती से बहुत स्विफ्ट एक्शन लिया, और उन्होंने पता लगा कि फ़ोन आ रहा था यूपी से, तो यूपी के काउंटर पार्ट्स को कॉन्टैक्ट करके यूपी की पुलिस ने भी बहुत बढ़िया काम किया, उसको जल्द से जल्द उसको ट्रैक डाउन किया। कभी इस माफिया टॉन के नाम से लोग थर्राते थे। गाजीपुर का रहने वाले ये कुख्यात माफिया टॉन आज बलिया के जेल में बंद है। संदीप ने उसी के खौफ को भट्ट परिवार के जहन में उतारने की नापाक कोशिश की और नाकाम रहा। उसने महेश भट्ट को लखनऊ के खाते में 50 लाख रुपए जमा करने को कहा। जो डिटेल्स उसमें थी उन्होंने हमसे शेयर करी, हमने उन पे वर्क किया, और वर्क करके आज जब हमने इस सस्पेक्ट को पिक किया तब तक मुंबई क्राइम ब्रांच की भी टीम यहाँ पर आ चुकी थी अपने इन्वेस्टिगेशन के सिलसिले में, और इंटरोगेशन और वेरिफिकेशन के बाद ये क्लियर हुआ कि यही वो व्यक्ति था जो टेलीफोन मोबाइल फ़ोन के जरिए SMS और व्हाट्सएप से ये 50 लाख रुपये की मांग कर रहा था और धमकी दे रहा था। धमकी देने के बाद उसने मोबाइल भी बंद कर दिया। महेश भट्ट ने मुंबई के जोहू थाने में रिपोर्ट लिखवाई, पुलिस हरकत में आई और उसने एंटी एक्सटॉर्शन सेल को इत्तला की। लोकेशन के आधार पर खंगाला गया तो जानकारी मिली और पता चला कि धमकी देने वाला लखनऊ से बैठकर फोन कर रहा है। मुंबई पुलिस ने फौरन UPSTF से संपर्क साधा और संदीप को धर दबोचा। हमारी अभी तक की जांच में ऐसा लग रहा है ये सारा काम इसी के द्वारा किया गया है और इसमें और कोई नहीं शामिल है। ये व्यक्ति का कोई आपराधिक इतिहास भी अभी तक का नहीं मिला है। पैसे चाह रहा था ये आदमी के, इसके मुताबिक इसका मार्केट में कई लोगों से बहुत उधार हो गया था और वो लोग इसको परेशान कर रहे थे, तो क्विक मनी के चक्कर में इसने सोचा कि फिल्म स्टार्स के पास वो लोग कुछ चैरिटी वगैरह करते रहते हैं या डोनेशन करते रहते हैं, तो हो सकता है इजी मनी वहां से मिल जाए, इसलिए उसने ये फोन किया। हीरो बनना चाहता था संदीप साहू, लाखों खर्च करने के बाद भी रहा नाकाम। जी हाँ, रियल लाइफ में हीरो बनने के लिए मुंबई भी गया था संदीप साहू। महीनों तक रहने और लाखों खर्च करने के बाद भी फिल्मों में उसे जगह नहीं मिली, जिससे वो निराश होकर लखनऊ लौट आया। मुंबई से ही उसे महेश भट्ट का नंबर मिला था। सपने टूटने के बाद वो रियल लाइफ का विलेन बन गया और उसने महेश भट्ट के पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी दे दी। पैसा मांगने वाले व्यक्ति ने अपना मोबाइल नंबर भी दे रखा था, उस मोबाइल नंबर और बैंक नंबर के और बैंक अकाउंट नंबर दे रखा था पैसा जमा करने के लिए। इन दोनों को मिलाकर ये सूचना विकसित की गई बहुत अल्प समय में, और मुंबई पुलिस के जो
यहाँ टीम आई उसके साथ मिलकर आज 11 बजे दिन में ऑल इंडिया रेडियो के पास एक पेट्रोल पंप है, सूचना मिली कि ये व्यक्ति वहाँ आने वाला है, आया हुआ है। इस सूचना के आधार पर इसको वहाँ से हिरासत से लिया गया। संदीप साहू लखनऊ के रजनी खंड का रहने वाला बताया जा रहा है। बहरहाल बॉलीवुड से सपने टूटने के बाद खूंखार बनने वाला संदीप पहला शख्स नहीं। फिलहाल वो पुलिस हिरासत में है और पुलिस कानूनी तौर पर उससे निपट रही है। लखनऊ एसटीएफ ने आज डॉन बबलू श्रीवास्तव के नाम पर फिल्म निर्देशक महेश भट्ट से 50 लाख रुपए की फिरौती मांगने वाले व्यक्ति संदीप साहू को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि संदीप साहू ने महेश भट्ट से एक अज्ञात फोन कॉल के जरिए 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगी थी और न मिलने पर उनकी पत्नी सोनी राजदान और बेटी आलिया भट्ट को जान से मारने की धमकी भी दी थी। लखनऊ से कैमरा पर्सन रजनीश तिवारी के साथ मैं विभु त्रिपाठी समाचार प्लस के लिए। एक परिवार की खुशियां जब उस दरिंदे को रास न आई तो उसने साजिश का वो घिनौना जाल बुना जहां देखते ही देखते एक लड़की की जिंदगी बदनामी के कगार पर पहुंच गई और उस लड़की के हौसलों की उड़ान थम गई। तो क्या वो लड़की उस साजिश से बाहर नहीं निकल पाई? यकीन मानिए उस परिवार की बेबसी देख आपकी आंखें छलक पड़ेगी। कन्नौज की कोतवाली छिबरा मऊ के खल्ला रूप मंगनपुर के रहने वाले ट्रांसपोर्टर गोविंद सिंह और उनका एक हंसता खेलता घराना, दो होनहार बेटियां और एक बेटा। बेटियां मानो ऐसी जो बेटों को पीछे छोड़ रही थी, पढ़ाई लिखाई में अव्वल, जिनकी कामयाबियों के किस्से हर सुबह पर होते थे। पूरा इलाका उन्हें इज्जत और स्नेह देता। हौसलों की उड़ान भरती गोविंद सिंह की बेटियां माँ बाप का सपना साकार करना चाहती थी। एक कामयाब अफसर बिटिया बनकर देश का नाम रोशन करना चाहती थी, लेकिन ना जाने कब इन चेहरों की खिलखिलाहट पर शैतान की नजर लगी। इस परिवार की खुशियां हमेशा के लिए बर्बाद हो गई। हाथ में तस्वीर लिए ये माँ अपनी उसी होनहार बेटी काजल को याद कर रही है जो अब इसके सामने कभी नहीं आएगी। वो इतनी दूर जा चुकी है जिसे चाहकर भी कोई वापस नहीं ला सकता। काजल गई नहीं है, उसे इस परिवार से इस दूर किया गया है, उस हैवानियत का निवाला बनाया गया है जिसका जिम्मेदार इलाके का रहने वाला दबंग क्रिस मिश्रा है, जिसने न सिर्फ स्नातक की पढ़ाई करने वाली काजल को धोखे से अश्लील तस्वीरें खींची बल्कि बदनामी का जरिया बनाकर उसे इतना विवश कर दिया कि उसने हालात के आगे मजबूर होकर खुदकुशी करने की। अच्छे मार्क्स आते थे, अच्छी थी। तो कैसे घटना हुई बेटा, पूरी बात बताइए। सर पूरी बात तो यहाँ से शुरू करते। सर उसकी बहन की शादी थी, तो हमारी बहन शादी में, क्योंकि सर फैमिली में सर लोग थे, तो सर हमारी बहन भी और मेरी मम्मी और ये लोग गए थे। सर मेरी तबीयत खराब थी तो सर हम नहीं जा पाए थे, तो वो गई थी स्टेज पे, उसने फोटो खिंचाए थे, बुआ थी और भी सिस्टर्स थी, एल्डर सिस्टर, तो वो गई थी सर। तो ये उसको कहता था कि हमने तेरी फोटो बना ली है। जब कभी खुशी से उसकी प्यारी बहना काजल खुद के भविष्य के बारे में कोई बात करती तो सुनने वालों का कलेजा फूल कर चौड़ा हो जाता। काजल एक आईपीएस अफसर बनना चाहती थी, हाथ में सर्विस पिस्टल लेकर चलने की ख्वाहिश रखती थी, लेकिन वो एक ऐसे भंवर में फंसी थी जिसका इल्म उसे था ही नहीं। और इसकी शुरुआत तब हुई जब दबंग क्रिस मिश्रा की नजर में खुशी के पिता की कामयाबी आंखों में नासूर बनकर चुभने लगी। गोविंद की तरक्की देख क्रिस इस जलन की भावना रखने लगा कि उसने गोविंद की दोनों होनहार बेटियों को जरिया बनाने की ठानी, और जब उसकी दाल नहीं गली तो उसने खुशी की छोटी बहन को टारगेट बनाया। साथ काम करने वाले उमंग यादव और सिंधिया को साजिश में शामिल। सर ये आरोपी है विंध्या यादव, और सर ये कोटेदार है गरी मिश्रा, और उसकी वाइफ तो भाई को धमका, भाई के बारे में धमकी देते थे, भाई को मार देंगे। क्या किसी ब्लैकमेलिंग की भी बात थी मोबाइल में, किसी क्लिप को शेयर करने की, सोशल मीडिया पे डालने की कुछ धमकियां देते थे? क्या कहते थे?
ये सर उसने समीक्षा मिश्रा ने उसे अपने घर पे बुलाया था, तब उसकी वाइफ ने उसको कमरे में बंद कर दिया था और इन्होंने उसका वीडियो बनवाया था। साजिश में कामयाब हुए ग्रीस ने गोविंद को बदनाम करने की ठानी थी, समाज में उसकी इज्जत बर्बाद करने की कसम खाली थी कि वो किसी भी सूरत में उसे तरक्की नहीं करने देगा। इस बीच दोनों बहनों पर झूठे प्यार का ताना फेंका गया, जहाँ खुशी ने दाल नहीं गलने दी, लेकिन काजल उस जाल में ऐसी फंसी कि उसे नशीला पदार्थ पिलाकर उसका अश्लील वीडियो बनाया गया, फिर ब्लू MMS का हवाला देकर बदनाम करने की धमकी दी गई। लेकिन हद तो तब हो गई जब दरिंदों ने काजल को अपने परिवार को जान से खत्म करने का फरमान सुना दिया, लेकिन काजल ने ऐसा नहीं किया बल्कि सच्चाई अपनी बहना से साझा की। कहाँ के हैं रहने वाले? ये सर यही बगल का रहने वाला पड़ोस, मेरे घर के पीछे मकान है सर। तो किस तरह के लोग हैं, क्या दबंग हैं कुछ? ये सर बहुत दबंग है, हमेशा दबाते थे। क्या उस परिवार में पापा मम्मी ने किसी ने पुलिस में तब शिकायत की थी? नहीं सर, तब नहीं की सर। पुलिस ने कोई कार्रवाई की थी उस मामले में जब सूचना दी? सर जब सूचना दी थी तब पुलिस ने, यहाँ की पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं थी की थी, क्योंकि सर उन लोगों का दबाव था, उन लोगों की सर बहुत ऊंची पहुंच है सर। वारी यूपी पुलिस, पुलिस की बेशर्मी सुनकर सर शर्म से झुक रहा है। क्या जो पुलिस जनता के साथ ऐसा सुलूक क्यों करती थी? एक तरफ बड़े दावे करके भरोसा कायम करती है और दूसरी तरफ किसी दरिंदे की तरफदारी करने में कोई कसर नहीं छोड़ती। रुतबा और दबंगई के आगे झुक चुकी छिबरा मऊ पुलिस ने परिवार की तहरीर लिखने की बजाय उन्हें थाने से चलता कर दिया। जोर बनाया गया कि परिवार समझौता कर ले, लेकिन समझौता होने के बाद भी दरिंदों ने मनमानी नहीं छोड़ी। हालात के आगे मजबूर काजल ने अपनी जान दे दी। संबंध में जो है उनकी तहरीर पे जो है अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है, अगर और जो है मृतका का जो पंचायतनामा के उपरांत PM के लिए जो है उसकी डेड बॉडी भेजी गई, उसके उपरांत जो भी तथ्य उनके द्वारा संज्ञान में पुलिस के लाए जाएंगे उसके आधार पे जो है उचित जो भी कार्रवाई है वो अमल में लाई जाएगी। समय रहते कन्नौज की पेशेंट पुलिस ने कार्रवाई की होती तो साहब आज महज तहरीर के आधार पर केस कायम करने का दावा न करते। इन्होंने साजिश रचने वाला दरिंदा अभी भी खुलेआम न घूम रहा होता। आखिर पुलिस उन दरिंदे पुलिस वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं करती जिन्होंने CO के निर्देश को भी अनसुना किया था? लेकिन अब इस परिवार का इंसाफ से भरोसा उठ गया है, आंखों के सामने बेटी ओझल है और दिल से उन दरिंदों के लिए एक बद्दुआ निकल रही है कि ऐसे भेड़ियों को जीने का कोई हक नहीं। रिपोर्ट समाचार। एक हंसता खेलता परिवार और छोटा सा एक घरौंदा, लेकिन सनसनी का सबब बनी एक अनहोनी ने दबे पांव हाजिरी लगाई तो पूरा इलाका सन्न रह गया। जहां एक परिवार के 3 सदस्य मौत के आगोश में समा चुके थे, लेकिन उसकी मौत की वजह अभी भी एक राज है। रोजमर्रा की खामोशी हलचल में तब्दील हुई थी, लेकिन शोर की वजह से शास्त्री नगर कॉलोनी के बाशिंदे अनजान थे। एक चीखती चिल्लाती महिला पदहवास भाग रही थी कि शायद उसकी कोई आवाज सुन ले, और जैसे इलाके के लोगों ने उसकी बेबसी देखी अपने अपने घरों से बाहर निकल आए। जिन्होंने इस फ्लैट की टूटी खिड़की से उस मंजर को देखा जहां घर के मुखिया शादीशुदा एक बेटी के पिता पेशे से कपड़ा का कारोबार करने वाले योगेश कुमार फांसी के फंदे से झूलते मिले, जिनकी लाश से मौके पर मौजूद रिश्तेदार सदमे से भर उठे। लेकिन ये तो शुरुआत थी, अभी तो उस सच से वाकिफ होना था जहां फ्लैट नंबर 683 में दिल दहला देने वाला मंजर था। कपड़ा कारोबारी योगेश कुमार का परिवार फ्लैट में मौजूद था जो नजरों से दूर था, लेकिन जब उनकी तलाश खत्म हुई तो जमाने के पैरों तले जमीन खिसक गई। योगेश की धर्मपत्नी बरखा और उनकी 10 साल की मासूम बेटी अनन्या
मौत की आगोश में समाई मिली, जिन्हें जहर देकर मार दिया गया। मुझे अपार्टमेंट में शोर शराबा सुनाई दिया, जिसमें पता उनकी योगेश जी, योगेश रहते थे यहाँ पे, ये और उनकी वाइफ बरखा और बिटिया अन्या। अन्या तो योगेश जी की जो वाइफ की सिस्टर हैं वो भगी हुई पर से नीचे आई, और मेरे अपार्टमेंट में संजय जी मेरे मित्र रहते हैं, पड़ोसी हैं। मुझे ये डाउट था कि शायद संजय जी की घर में बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हैं, तो वो गिर गए हैं, कोई सा चोट लग गई है। लेकिन इतने में संजय जी ऊपर से आए भगे हुए, और के भाई साहब संजय जी ने, उसने योगेश ने सुसाइड कर लिया है। मृतक बरखा की बहन मिलने के इरादे से आई थी, लेकिन उसे क्या पता था कि जिस घर की दहलीज पर वो जाने के लिए बेसब रहे, वहां की खुशियां बर्बाद हो चुकी, पूरा का पूरा परिवार खत्म हो चुका है। मौके वारदात पर पहुंची पुलिस ने घर का दरवाजा तोड़कर सुराग रशी शुरू की, तो पुलिस ने वो जहर का प्याला बरामद किया, जिसे पहले योगेश ने अपनी बीवी और बच्ची को जहर दिया, फिर दोनों की हस्ती मिटाने के बाद खुद के लिए फांसी का फंदा तैयार किया और इसी कमरे की छत से लटके पंखे पर लटक कर जान। अपार्टमेंट में हम यहाँ पे 12 फैमिली रहती है, हम 3-4 जने एकदम ऊपर भागे, तो देखा योगेश जी पंखे से लटक रहे थे। तो उस टाइम केवल ये था कि योगेश जी ने सुसाइड किया है, लेकिन दोस्त उस टाइम जो उनकी सिस्टर थी उन्होंने ये बताया कि यहाँ पे अभी बरखा भी है, यानी उनकी वाइफ और बिटिया। जब उनको उनकी आवाज़ लगाई और रजाई को उघाड़ कर देखा तो उनकी बॉडी अभी बिस्तर पर पड़ी हुई थी, रजाई से ढकी हुई। तब ये पता चला कि एक नहीं 3 डेथ हुई है, 3 सुसाइड हुए हैं। कोई नहीं जानता योगेश ने किस मनोस्थिति में इतना खौफनाक कदम अख्तियार किया, क्यों अपनी बीवी और बेटी को जहर देकर खुदकुशी कर ली। क्या योगेश किसी उलझन का शिकार था? क्या उसकी आर्थिक स्थिति खराब थी? क्या उसका बिजनेस बर्बाद हो चुका था, या फिर कोई और वजह है? रही बात मौके से मिले सुसाइड नोट की, तो सुसाइड नोट में ऐसा कुछ नहीं निकला जिसे किसी दूसरे को दोषी करार दिया जा सके। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि योगेश वर्मा ने पहले शायद उनको पॉइजन दिया हो, क्योंकि वहां पे सल्फास भी मिला और 2 चाय के कप मिले जिसके नमूने को ले लिया गया है, और ऐसा प्रथम दृष्टया लग रहा है कि शायद उसमें चाय में मिला करके उनको पॉइजन दिया गया हो। मौके से एक सुसाइड नोट भी मिला है, जिसमें योगेश वर्मा ने सारे घटनाक्रम की जिम्मेदारी खुद पे लेते हुए ये बताया है कि अपनी कुछ फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से वो परिवार का गुजर बसर ठीक से नहीं कर पा रहे थे, और जिसकी वजह से उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। दिल और दिमाग को झिझोड़ने वाले इस वारदात ने हर किसी को हिला कर रख दिया। जो परिवार इतना मिलनसार था, इतना खुश मिजाज था, उसे किस बात की तकलीफ थी? आज ये सवाल हर किसी के जहन में उबल रहा है, लेकिन जवाब ना तो पुलिस के पास है, ना ही कोई ऐसा सबूत है जिसकी बिना पर पुलिस पुख्ता कर सके कि वारदात की वजह साफ है। अब्दुल कादिर, मेरठ, समाचार। संगम नगरी का हिला देने वाला वाक्य एक ऐसे आशिक से जुड़ा है जिसे मोहब्बत से रुसवाई मिली, तो आशिक की मां ने बेटे को खुशी देने का दावा किया, और जब मंसूबा नाकाम हुआ तो माशूका को छत से उठाकर फेंक दिया गया। देखिए रिश्ता ठुकराने की खौफनाक सजा। संगम नगरी इलाहाबाद के थाना खुल्लाबाद के अटाला इलाके में दो धड़कने जमा हुई तो एक दूसरे के इश्क में खो गई, लेकिन उस आशिकी का अंजाम किसी ने ना सोचा था। सच हैरान करने वाला है, क्योंकि अक्सर एक सिरफिरे आशिक की कहानियों से वास्ता पड़ता है। इस परिवार की नाबालिग बेटी निकहत परवीन आज पिता और बहन से रूठ चुकी है, जो इनके करीब नहीं। इसी छत से निकहत को गली में फेंक दिया गया। जानते हैं कौन था वो संगदिल? निकहत परवीन पर जान छिड़कने वाला आशिक आदिल नहीं, बल्कि उसकी माँ जोहरा, जिसने निकहत को अपने बेटे के लिए राजी करना चाहा कि वो उसकी बेबसी से शादी कर ले, उसकी बैसाखी बने, लेकिन निकहत को ये रिश्ता मंजूर न था। नतीजा कि निकहत को इनकार करने की खूनी सजा मिली।
फिर चाय पी रही थी कहीं हमारा दिमाग ना खराब करो अगर अम्मी इंगा डाल हमारे पास ना बात करेंगे बस कब रख के कपड़ा लेके आई अपना पीछे पीछे मोबाइल लेके हम यहाँ तक बस पहुँचे जब धकेल दी जब तक में हाँ हम जगह ही बचाओ। माशुका निकट और आशिक आदिल एक दूसरे से बेनतहा प्यार करते थे लेकिन एक हादसे ने दोनों की मोहब्बत को उस छोर पर ला खड़ा कर दिया जहां निकहत अपने आशिक से दूर होने लगी। आदिल भी जानता था कि उसकी मोहब्बत उससे क्यों अनजान सुलूक कर रही है लेकिन कई बार रिश्ते की बात कर चुकी आदिल की मां जोहरा की यही ख्वाहिश थी कि निकहत उसके घर की बहू बने और आदिल के बेसाफी बनकर ताउम्र उसका ख्याल रखे लेकिन निकहत के परिवार को ये रिश्ता नामंजूर था। घर वालों की मर्जी के बगैर निकहत अपनी रजामंदी जाहिर नहीं कर सकती। ये थाना खुल्दाबाद में अटाला क्षेत्र में एक 17 साल की लड़की है जिसका एक लड़के के साथ अफेयर चल रहा था जैसा कि उन लोगों ने बताया है और इसमें लड़की की मां से उस लड़की की कोई कहा सुनी हुई है और ये बता रहे हैं जो प्रथम सूचना रिपोर्ट है उसके अनुसार ये छत से नीचे फेंक दी गई है। मुकदमा दर्ज हो गया है बाद में उसकी मृत्यु हो गई है तो अब हम लोग पीएम और आवश्यक कार्रवाई कर रहे हैं। तीन मंजिला इमारत से आदिल की सन की मां जोहरा ने निकहत के बाल पकड़कर नीचे फेंक दिया। इतनी ऊंचाई से गिरने की वजह से निकहत का दम निकल गया जिसकी चीख सुनकर परिवार ने घर से बाहर कदम रखा तो खून से सनी बेटी हलाक मिली और कातिल जोहरा मौके से फरार। पीड़ित बहन का रो रो कर हाल बेहाल है। पिता पर सदमा हावी है जो अपनी अजीज बेटी को लेकर एक ही मांग कर रहे हैं कि उन्हें न्याय मिले। रविंद्र कुमार इलाहाबाद समाचार प्लस।